हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज 11th के सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स का तीसरा लेक्चर है। मैं अतुल कुमार, आप देख रहे हो एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। तो यहाँ पे दूसरी बात करेंगे कि इसमें थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। आप डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। हर जगह पे सेल और सेल डिवीजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बाबू। एकदम बिल्कुल जो है आपकी जैसे रूट बोलते हो ना, एकदम बेसिक है आपकी बायोलॉजी की। तो बिल्कुल इस रूट को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, चाहे आपकी वेटेज वाइज कुछ भी हो। आप जानते हो वेटेज जो है सेल की 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं नीट में, ठीक है ना। सेल डिवीजन का 1 to 2 क्वेश्चन ऑलवेज ईच एंड एवरी ईयर। तो बिल्कुल आपको इस सेंस में नहीं भी लेते हो, लेकिन आपके पूरे के पूरे सिलेबस को यदि मेंटेन करने का काम करता है, यदि आगे लेके चलने का काम करता है, तो सेल और सेल साइकिल, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत धांसू है। बिल्कुल आइए यहाँ पे, चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो इंटरफेज का। किसका? इंटरफेज का। और इंटरफेज के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें, क्या क्या बात करे थे कि अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड एंड पेले की बात करे थे। हॉवर्ड एंड पेले, तो इन्होंने क्या किया था, तीन जो है 3 सब फेजेज में बांट दिया था। ये सारी बातें हमने करे थे, सब फेजेज में इसको बांट दिया था। कौन कौन सा? G1, S और G2। इसमें से अपन बात करने वाले हैं G1 का, लेकिन एक छोटा सा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ईच एंड एवरी लेक्चर में आपको ये चार्ट काम करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं वही बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो है बहुत ज़रूरी है, G1, S और G2। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे किसका, साइटोकाइनेसिस का। ये है साइटोकाइनेसिस, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका एम फेज होगा। क्या होगा? एम फेज या डिवीजन फेज। इसमें 2 फेज, एक में कैरियोकाइनेसिस, दूसरा में साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ से हमने कहा था बेटा कि एक सेल को मैंने स्टार्ट किया इससे और यहाँ पे आते आते क्या हो गया, 2 सेल बन गया। ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, रखना पड़ेगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे, जैसे ही अपन बात करें कि ये 4 फेजेज में हमने इसको बांटे, 4 फेज में बांटे थे, याद है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा कि ये माइटोटिक फेज है और एम फेज है। तो इसके बाद वाली जो फेज होती है, एम फेज के बाद वाली जो फेज होती है, वो क्या होता है, G1 फेज। इसके कंडीशन में बाबू थोड़ा सा बात आपको करना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या होता है। तो यहाँ सिंपली जो है जितने भी रॉ मटेरियल है, किसके लिए, सिंथेसिस फेज के लिए, बिल्कुल उसके लिए जो रॉ मटेरियल तैयारी करते हैं, तो क्या क्या तैयार करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड को बनाएंगे, क्या क्या, न्यूक्लियोसाइड को बनाएंगे, ATP को बनाएंगे, ठीक है ना, अमाइनो एसिड को बनाएंगे। यहाँ पे बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज को भी बनाएंगे और आरएनए को भी बनाएंगे। तो ढेर सारे चीज़ का, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सेल ऑर्गेनेल सब भी यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम भी ओवरऑल बोला जाए तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, ग्रोथ के लिए। मतलब ग्रोथ बोले तो प्रोलीफरेशन ऑफ सेल के लिए। और ये होता क्या है कि ये फेज जो होती है ना, मोस्ट वेरिएबल फेज होता है, वेरिएबल फेज है। कहने का मतलब क्या है कि ये वेरी करते हैं, इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं बाबू, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपको बताएं कि 6 to 15 आवर्स, ठीक है ना, 6 to 15 आवर्स के आसपास जो है आपका क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन होता है। तो वेरिएबल है, बहुत ही लंबा चौड़ा वेरिएबल है। यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए, क्या, G1 फेज, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये बोलोगे क्या कि इस फेज का अदर नेम क्या है, G1 फेज इज ऑल्सो नॉन एच,
क्या क्या, देखो मैं चार्ट से बनाता हूँ। जीवन को बोलते हैं ग्रोथ वन फेज, पहला ग्रोथ है, ग्रोथ वन फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज, दूसरा गैप वन फेज, ठीक है। और इसको बोला जाता है पोस्ट माइटोटिक, क्योंकि माइटोसिस के बाद वाले स्टेज है, तो पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक फेज। और दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये सिंथेसिस से पहले है, तो प्री सिंथेटिक फेज, प्री प्री मतलब पहले, प्री सिंथेटिक फेज। तो कितने नेम हो गए, ढेर सारा नाम हो गया, ढेर सारा नेम हो गए। अब इसके लिए बात करते हैं कि ये बहुत ही वेरिएबल फेज होता है, और ये सबसे लंबा फेज होता है, इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल और इंटरफेज, इंटरफेज में भी और पूरे को पूरे सेल साइकिल में भी बोला जाए तो ये, एंड करके लिखो सेल साइकिल एंड इंटरफेज, ठीक है, पूरे को पूरे सेल साइकिल और इंटरफेज में बोला जाए तो सबसे लंबा फेज, ड्यूरेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाली फेज जो होती है यही होती है। अब क्या होता है, इसीलिए यह क्या होता है, इट इज अ मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ द सेल साइकिल, मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ द सेल साइकिल, फेज ऑफ द सेल साइकिल, सीसी बोले तो सेल साइकिल, ठीक है ना, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जीव से जीव में, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और इवन सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टू सेल, ये वैरी करते हैं, ठीक है ना। दिस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ, क्यों, हाँ कैसे, बिकॉज इट फॉर्म, क्या भैया यहाँ पे मैंने सारे चीज को लिख दिया है, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स एटीपी, न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, आरएनए, और आरएनए में तीनों, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, सबके सब बनाएंगे। और डीएनए बनाने वाले जो एंजाइम होता है, तो डीएनए बन नहीं रहे, डीएनए पोल बोले तो पॉलीमरेज, आरएनए के लिए आरएनए पोल, आरएनए पॉलीमरेज, एंड अदर सर्टेन एंजाइम फॉर सेल डिविजन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर फॉर्म्ड हियर, अधिकतर सेल ऑर्गेनेल जो है यहाँ पे बन जाते हैं, मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे बात करते हैं, इसी वजह से क्या होती है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और क्या हो जाते हैं इसके बाद, क्या होते हैं, इंक्रीज इन सेल साइज, सेल के साइज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इतनी बात समझ में आता है। अब बात यहाँ पे आगे बढ़ती है, अपने को देखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे बात हुआ। अब ये कंडीशन है कि इस जगह पे अपना बात करें तो इस जगह पे एक फेज और लाई करता है, जी नॉट फेज या जी जीरो फेज या क्विसेंट स्टेज। कंडीशन क्या है कि ये मतलब कि इस फेज को बोला जाता है कि इट इज अ डिसाइडिंग फेज, मतलब कि सेल डिवाइड करेगी या डिफ्रेंशिएट करेगी, यही फेज क्या करेगी, आपको डिसाइड करेगी कि बेटा सेल को डिवाइड करनी है या डिफ्रेंशिएट करनी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है,
हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाए, हार्ट, लीवर, लंग्स, कुछ भी बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में हार्ट अलग काम करते हैं, लंग्स अलग काम करते हैं, ब्रेन अलग काम करते हैं, टेस्टिस अलग काम करते हैं, ओवरी अलग काम करते हैं, इंटेस्टाइन अलग काम करते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट स्पेसिफिक है स्पेशल फंक्शन के लिए, तो ये स्पेशलाइज है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग या एडल्ट एनिमल के कंडीशन में बात करें तो वो आपका नर्व सेल्स है, न्यूरॉन जो ब्रेन का सेल है, दूसरा कंडीशन हार्ट का सेल है एडल्ट, बचपन में तो बढ़ती, लेकिन एडल्ट के कंडीशन में हार्ट सेल जो जो हमारे हृदय का, हृदय कोशिका है, हमारा ब्रेन, न्यूरॉन, जो नर्व सेल्स की बात करते हैं या आरबीसी की बात करो, ये सब क्या होते हैं बेटा, डिवाइड नहीं करते हैं। इट विल डिफरेंशिएट फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, बट कंडीशन क्या है कि जैसे अपन शुरू और सब बॉडी सेल्स की बात करें तो इट विल कंटिन्यू डिवाइड इन 24 आवर्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि और बहुत सारा चीज, जैसे जैसे प्लांट के कंडीशन में फाइब्रोब्लास्ट है या मतलब कि पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उस कंडीशन में वो टेम्पररी मतलब ओकेजनली वो डिवाइड करते हैं। रीजन क्या है कि जब वेन एवर इट नीड्स टू रिप्लेस, मतलब कि इसको ज़रूरत होती है रिप्लेस होने का, जैसे डेड हो गया, डैमेज हो गया, कट गया, फट गया, लॉस हो गया सेल, उस कंडीशन में उस सेल को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, सेल डिवीजन को रिगेन करते हैं। लेकिन जनरली अपन बात करते हैं प्लांट के दूसरे सेल एस्क्लेरेंकाइमा की बात करो तो इट इज़ कम्प्लीटली परमानेंट, अरे कम्प्लीटली जो है वो क्या होते हैं, डिविजन्स नहीं करते हैं, डिविजन लॉस हो जाते हैं उसमें, कभी भी रिगेन नहीं होता है। तो कंडीशन क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि सेल डिविजन की, जैसे ही अपन बात करें तो ठीक है ना, जीवन फेज इज अ डिसाइडिंग फेज, ओहो चलिए कोई बात नहीं, जीवन फेज इज अ डिसाइडिंग फेज, सेल विल बी डिवाइड और डिफरेंशिएट। तो कहाँ किस कंडीशन में, यदि डिवाइड करते हैं तो इट विल गो टू द एस फेज, यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल गो टू द जेनॉट फेज। मतलब कि जेनॉट फेज जिसको क्वेश्चेंट स्टेज बोलते हैं, मतलब कि इस फेज में क्या होता है कि टेम्परेरली और परमानेंटली जो है ये क्या हो जाते हैं कि मतलब कि डिवीजन कैपेसिटी लॉस हो जाता है। यदि टेम्परेरी है तो ये इंटर करके चले जाते हैं कहाँ पे, जीवन के कंडीशन बात करते हैं, टेम्परेरी है तो चले जाते हैं कहाँ पे, जीनॉट में, जी एस में, और एस जो है कमिटमेंट फेज है, कमिटेड फेज है फॉर द सेल डिविजन्स। जब भी कभी किसी भी तरीके से यदि एस फेज में एंट्री कर गई सेल, तो बेटा वहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, दैट मीन्स कि सेल का साइज बिकम्स बड़ा, बड़ा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे सेल की साइज बड़े हो जाएंगे, डीएनए कंटेंट्स, डीएनए की अमाउंट डबल हो गई, सेल की साइटोप्लाज्म बढ़ गई, बहुत सारा चीज़ उसका ग्रोथ हो गया, अब जो है न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है साइटोप्लाज्म पे, सेल ऑर्गेनेल पे नहीं रहा, तो भैया न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने की वजह से इट लीड्स टू द डिविजन ऑफ द सेल। मतलब सिंपल तरीके से आपसे क्वेश्चन मैं इसके इस सेशन के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में पूछूंगा, व्हाई सेल विल डिवाइड। एक तो मैंने एक क्लू बताया, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। मतलब आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करके मेरे इनबॉक्स में आके कि आपको आपको आंसर करनी है, यदि देखते हो तो, नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। चलो, जीवन फेज इज अ डिसाइडिंग फेज, कैसे भैया, तो ये जो है डिसाइड करती है, मतलब कि ये कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपको बात किया जाएगा कि डिसीजन किस तरीके से होगा, कैसे डिसाइड करेंगे ये दोनों को, दोनों फेज डिसाइडिंग फेज, बिकॉज इसी कंडीशन में जो है आपका सेल विल, इसमें क्या होगा, डिसाइड करेगा सेल विल डिवाइड और क्या बेटा, डिफरेंशिएट, या तो डिवाइड करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने कहा कि जीवन में हमारा एक जो है, जीवन फेज में एक हमारे पास जो है सेल है, ये जीवन है, ठीक है। तो यदि क्या होगा कि सेल यदि डिवाइड करना चाहेगा, सेल यदि क्या करेगा, डिवाइड करना चाहेगा, वेन एवर इट विल डिवाइड देन इट विल इंटर इनटू द एस फेज। इफ सेल विल
divide, then it will enters into, ठीक है ना, किस में, एस फेज, किस में, एस फेज, और एस फेज को बोला जाता है कमिटमेंट फेज, इसको बोला जाता है कमिटमेंट फेज, मतलब सलमान खान का वांटेड, मैंने जो कमिटमेंट कर लिया तो अपने आप को भी नहीं सुनता, वही सिचुएशन है कि इसमें बेटा डीएनए की अमाउंट क्या हो जाता है, 2C से क्या हो जाता है 4C, सी बोले तो कंटेंट्स, डीएनए क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, साइज जो है ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बढ़ जाएगा, तो सेल को डिविजन करना पड़ेगा, बहुत तारीख की बात है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएंगे, सेल ऑर्गन के नंबर साइज वो सब बढ़ जाएंगे, तो कंडीशन है क्या है? बात करेंगे कि चलो, मतलब कि राजा, मतलब कि जैसे राज की बंटवारा होना तो सबसे पहले राजा के घर टूटते हैं, क्या कंडीशन है इसका, कंडीशन यही है कि वो सब उसके घर के मेंबर लोग बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो हमें ये राज चाहिए, तो हमें ये राज चाहिए, तो सबसे पहले सेल डिवीजन में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, देन इट फॉलोड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो सबसे पहले राज बटने पे क्या है, सबसे पहले राजा के घर बटेंगे, फिर राज बटेंगे, न्यूक्लियस बटेगा सबसे पहले, चाहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो यहाँ आ गए, तो ये क्या होता है, कमिटमेंट फेज है, तो ये डिसीजन कर गया, तो यहाँ पे आएंगे सेल, तो तब क्या हो जाएगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा, एक सेल से क्या हो गया, दो सेल हो गया, मतलब सिंपल तरीके से ये सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, सेल विल एंटर इनटू द एस स्पेस, देन डिवीजन अकर्स, देन डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन इज सर्टेन, होना ही है, कोई नहीं इसको रोक सकता, कमिटमेंट हो गई। अब दूसरी सिनेरियो है, दूसरा सिचुएशन है, इफ, ठीक है ना, इफ सेल डज नॉट डिवाइड, देन इट विल एंटर्स इंटू, कहाँ बेटा, जी नॉट स्टेज, इसे ही क्या बोलते हैं, जी जीरो स्टेज या क्वेश्चन स्टेज, ठीक है ना, क्वेश्चन स्टेज। यहाँ पे क्या होती है कि इस जगह पे सेल शोज डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि एवरी सेल डिफरेंशिएटेड इनटू, डिफरेंशिएट to form a specific organ to perform a specific function, a specific function, as like क्या बनाएंगे भैया, लीवर बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे, किडनी बनाएंगे, ब्रेन बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे चीज, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है ना, तो कंडीशन है कि इसीलिए यह बोलते हैं कि भैया हम बात जो करते हैं कि जीवन फेज इज अ डिसाइडिंग फेज, सेल विल डिवाइड और डिफरेंशिएट। अब कंडीशन क्या है कि जैसे दो पॉइंट लिखते हैं, इन एडल्ट, ठीक है ना, एडजस्ट फ्रॉम, ठीक है ना, जी नॉट फेज, चलिए यहां पे इसको मिटा ही देता हूं,
टाइम तो आपका ऐसे भागा जा रहा है कि मत पूछो। ठीक है चल, ठीक है यहाँ पे बात करते हैं। एडजस्ट फ्रॉम जीवन फेज, यहाँ पे दोनों कंडीशन है कि एक तो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी एक क्या होगा परमानेंट। परमानेंट के कंडीशन में सेल डिवीजन कैपेसिटी क्या होता है, लॉस हो जाता है, सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस हो जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको बात करें प्लांट के कंडीशन में एस्क्लेरन कायमा और एडल्ट एनिमल के कंडीशन में बात करो तो बहुत सारा है। जैसे आप न्यूरॉन्स की बात करते हो, न्यूरॉन्स बोले तो नर्व सेल, हमारा नर्व सेल बोलो, ब्रेन का सेल बोलो, कुछ भी बोलो, हार्ट, हार्ट सेल है। फिर जो है आरबीसी की भी बात करो तो ये सब एग्जांपल है, कम्प्लीटली जो है परमानेंट हो गया। लेकिन टेम्परेरी के कंडीशन ये अपन बात करते हैं, प्लांट की ही बात करो, फाइब्रोब्लास्ट एंड पेरेन्काइमेटस सेल। व्हेनेवर रिक्वायर्ड, व्हेनेवर इट विल डैमेज और डेट, देन इट विल नीड टू रिप्लेस। क्या होता है कि यहाँ पे वैन एवर डेट और डैमेज द सेल देन इट विल रिगेन, ठीक है ना, सेल डिवीजन। मतलब कि इसके कंडीशन में बात किया जाए तो डिवाइड करता है, डिवाइड वंस इन अ लाइफ, वन टू टू टाइम्स। ठीक है तो कंडीशन क्या है कि ये पेरेन्काइमा जो है कन्वर्ट हो जाते हैं क्या सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इतने बात तो समझ में आता है, तो चलिए ठीक है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है ना। अब तो आ गया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, ये तो ऑलमोस्ट जो है हमारा सेल डिवीजन की जीवन फेज के बारे में बात हो गया। चलिए छोटा छोटा जो है G2 और S फेज के भी बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट कोई बात नहीं है। चलिए आइए G2 के कंडीशन में बात करते हैं, पहले तो S की बात करो। S बोले तो सिंथेसिस फेज, और सिंथेसिस खाने का मतलब क्या, सिंथेसिस कहने का, कुछ ना कुछ सिंथेसिस होगा। तो सिंथेसिस खाने का मतलब होता है कि यहाँ पे दो चीज, एक तो हो गया आपका जो है DNA का डुप्लीकेशन, मतलब DNA का सिंथेसिस होता है। तो दूसरा फेज हमारा है क्या बेटा, दूसरा फेज है S फेज। यहाँ पे छोटा सा मैं फिर से डायग्राम बनाऊँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M है, ठीक है, M फेज। ठीक, मोटा मोटा करके लिखता हूँ, तो G1 के बाद S है और G2 से पहले S है, दोनों सिचुएशन दिख रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, DNA सिंथेसिस फेज, दूसरा यहां पे बात करते हैं प्री, ठीक है ना, प्री G1 फेज, पोस्ट प्री G2 फेज, पोस्ट G1 फेज, ठीक है, ढेर सारा नाम है। तो यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आता है,
कंडीशन क्या है, दिख रहा है ना? यहां पे कंडीशन है, दिस फेज इज अ कमिटमेंट फेज, कमिटमेंट फेज। जैसे कमिटमेंट कहने का मतलब है, क्यों कमिटमेंट? कि वेन एवर सेल विल एंटर्स इनटू एस फेज देन अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल्ड। मतलब 2C से कितना हो गया 4C। मतलब सीधे तरीके से कि यदि मैं सिंपली बताऊं कि इंटरफेज में दूसरे फेज की यदि बात करूं तो वहां पे आपका क्रोमोसोम ऐसा, ये क्रोमोसोम है ना, एकदम बिल्कुल क्रोमोसोम है। यहाँ ये क्रोमोसोम जो है ये भी क्रोमोसोम है और वो भी क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे डीएनए की जो अमाउंट होता है बाबू, ये क्या हो गया कि इसमें 2C होगा। डीएनए की कंटेंट्स, सी बोले तो बेटा कंटेंट्स की बात करते हैं, 2C है। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है एस फेज के बाद, मतलब कि ये अपन बात करते हैं जीवन फेज में, एस फेज से जैसे ही बढ़ते जा रहा है, एस फेज कंप्लीट हो गया, तो ये क्रोमोसोम आपका ऐसा हो गया। ये क्रोमोसोम कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ये क्रोमोसोम आपका दिख रहा है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये मोनाड क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमेटिड्स होगा, मोनाड क्रोमोसोम है। और ये क्या है? ये आपका डायाड है। क्या है? डायाड। डायाड क्रोमोसोम है, मतलब कि ये तो 2C है, ये कन्वर्ट हो गया कितना, दो स्टैंड, यहाँ दो स्टैंड रहा, कितना 4C में। तो ये डायाड क्रोमोसोम है। तो ये बात तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये कंटेंट्स क्या हो गया, डीएनए का कंटेंट्स डबल हो गया। ठीक है, डीएनए के कंटेंट्स जैसे डबल हो गई तो अब इसका मतलब है कि और सारे चीज़ भी, प्रोटीन भी बनेगा। वहाँ भी जीवन में भी प्रोटीन बना था, सब चीज़ अमीनो एसिड बना था, कहीं ना कहीं प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन क्या करेंगे, डीएनए की रैपिंग करने का काम करेंगे। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप बात करते हो, दिस फेज, इन दिस फेज ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन is also formed for covering of DNA. दूसरा बात करते हैं, in late S phase, ठीक है ना, centriole will be duplicated or synthesized, ठीक है ना।